हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आइए हम लोग जानते हैं आज 4G टावर के बारे में। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर 4G टावर को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अगर आप न्यू इंजीनियर हैं या आप इंजीनियर नहीं हैं और आपके आसपास टावर है, ठीक है, तो आप कैसे जानेंगे कि आपके पास जो टावर लगा हुआ है वहाँ पे 4G है या नहीं है, ठीक है, या 5G है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्त कि अगर आप टेलीकॉम में काम नहीं करते हैं और आप इंजीनियर नहीं हैं तो कोई भी टावर को पहचानने के लिए कि ये 4G का है, ये 3G का है, मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन मुश्किल कब नहीं होगा, आपके पास अगर मोबाइल है तो आप नेटवर्क सेटिंग में जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पे चूज करना होता है नेटवर्क 2G, 3G, 4G, 5G। ठीक है, अगर आपका नेटवर्क पकड़ रहा है, ठीक है, और आपके मोबाइल में जो टावर है वो फुल है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे 4G नेटवर्क है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप लोग टावर आई मीन जो 4G टावर है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। हद तक आप पहचान जाएंगे, लेकिन हाँ 100% वो नहीं होगा, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि टावर पे पहले क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, ठीक है। नीचे ये आपका शेल्टर है, इसको हम लोग कैबिनेट भी बोलते हैं। फिर यहाँ से केबल ब्रिज है, ठीक है, और ये जो आपको माइक्रोवेव एंटीना दोनों लगा हुआ है ऊपर में, यहाँ पे देखिए दो दो GSM एंटीना है, और ये नीचे जो है जो साइड में लगा हुआ है इसके पीछे में, ये आपका रेडियो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो, ठीक है, जो बॉक्स है। फिर ऊपर में एंटीना है, ठीक है। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि इतने सारे एंटीना क्यों हैं, तो दोस्त टावर किसी और कंपनी का होता है, ठीक है। अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में जो वोडाफोन आइडिया है और एयरटेल है, एयरटेल का बहुत सा टावर है, लेकिन बहुत सा टावर एयरटेल का नहीं भी है और वोडाफोन आइडिया का भी नहीं टावर है। तो टावर किसी और कंपनी का होता है, ऑपरेटर लोग क्या करता है, रेंट पे जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं किसी और कंपनी का ये होगा एंटीना, और ये किसी और का होगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एयरटेल का है और ये आपका क्या है, वोडाफोन आइडिया का है, ठीक है, या ये वोडाफोन आइडिया का, ये एयरटेल का है, इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये नीचे से, अगर आप इंजीनियर नहीं है, आपको पता नहीं है कि वोडाफोन कैंटीना पे, वोडाफोन आइडिया कैंटीना कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है और एयरटेल का कहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो सिर्फ मोबाइल से ही आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सब एंटीना है, इसको हम लोग क्लोज करके देखते हैं। देखिए ये जो है आपका GSM एंटीना है, ठीक है, जैसे हमने बताया ये रेडियो है, और रेडियो जो है GSM एंटीना से कनेक्टेड है, ये जम्पर के थ्रू, एक ब्लैक कलर देख रहे हैं ना जम्पर, ठीक है, जम्पर के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो GSM एंटीना है ये आपके मोबाइल से कनेक्ट होता है, ठीक है, यहीं से आपका जो है सिग्नल जो है ट्रांसमिट और रिसीव दोनों होता है, आपका कॉल आता है और जाता है, इसी से जाता है, इसी से आपको नेटवर्क मिलता है, ठीक है। ये जो है आपका रेडियो है, रेडियो ये कनेक्टेड है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया रेडियो जो है फाइबर के थ्रू जो है आपका नीचे मशीन रहता है, जिसको हम लोग BTS बोलते हैं, बेसमेंट हुक बोलते हैं, उसमें जाके ये कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो एंटीना का ये लिमिटेड सिस्टम फ्रिक्वेंसी होता है, और रेडियो का भी सिस्टम फ्रिक्वेंसी होता है, दोनों का जो है सिस्टम फ्रिक्वेंसी मैच करना चाहिए तभी ये कनेक्ट हो पाता है। मान लिया जाए इसका जो है ये एंटीना का 850 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, और इसका भी इतना ही रहना चाहिए, ठीक है, 850 मेगा ही फ्रिक्वेंसी रहना चाहिए। या अगर इस रेडियो में और दो तीन फ्रीक्वेंसी है, दो तीन तरह का फ्रीक्वेंसी है, तो दैट इज ओके, बट कोई भी फ्रीक्वेंसी इसे मैच करना चाहिए, ठीक है। 4G जो 4G का जो टावर का जो रेंज होता है दोस्त, अगर आप ये आपका 4G जो है 850 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, तो ये 4 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक आपको नेटवर्क मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब डेटा जो है आपका 2-3 ही किलोमीटर तक चलेगा, ठीक है, 2-3 किलोमीटर आपका, क्योंकि 2 खुट्टी में तो डेटा नहीं चलता है, 3 खुट्टी रहता है, 4 खुट्टी रहता है आपके मोबाइल में, जो आप मोबाइल में टावर बोलते हैं, तभी आपका डेटा चल पाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ये जो एंटीना है, इस तरह के रेडियो जो है 4G के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंडिया में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 4G के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आजकल जो है वोडाफोन आइडिया और एयरटेल इसी तरह के एंटीना रेडियो यूज करता है, ठीक है। अगर इस तरह का एंटीना रेडियो मिल गया तो आप समझ जाइएगा कि 4G जो है टेक्नोलॉजी आपका टावर पे है, ठीक है। मैं आपको ऊपर वाला भी एंटीना दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए एक ही रेडियो इसके पीछे था, ठीक है,
और इसके पीछे भी एक ही रेडियो था। ये दो एंटीना है, दोनों दो डायरेक्शन में दिख रहा है और ये दोनों दो सेक्टर का है, ठीक है। और यहाँ पे अब जाएंगे तो जैसे ये एंटीना है, ठीक है, इसके पीछे जो है दो रेडियो हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक ही रेडियो है, यहाँ पे दो रेडियो क्यों है। तो यहाँ पे जो दो रेडियो है ये अलग अलग सिस्टम फ्रिक्वेंसी पे चल रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 4G नेटवर्क है, ठीक है, लो बैंड पे भी चलता है और हाई बैंड पे भी चलता है। लो बैंड पे चलता है तो ज़्यादा दूर तक कवरेज कवर करता है, और ये हाई बैंड पे चलता है तो डेटा ज़्यादा कवर करता है, ठीक है, इस तरह का ये चलता है। और ये भी आपका जो है जो रेडियो है आपका इसी तरह का, इसी का ये रेडियो है। यहाँ पे भी इसी सेक्टर का, यहाँ पे दो सेक्टर है, सेक्टर ये है और ये सेक्टर ये है, और सेक्टर ये भी है और ये सेक्टर ये भी है, ठीक है, इस तरह की करते हैं। अभी देख आपको मैं बताता हूँ कि ये दोनों एंटीना किस तरह से इंस्टॉल किया हो रहता है। देखिए यहाँ पे देखिए, इस एंटीना को हमेशा जो है इस जहाँ पे क्राउड रहता है, जहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह रहता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, उसी तरह उसी डायरेक्शन में एंटीना को हमेशा इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि ये एंटीना जो है सिग्नल को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। जैसे मैंने बताया कि जो आप मोबाइल जो है इसी से कनेक्टेड रहता है, ये भी मोबाइल जो है आपका इसी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इसीलिए इस एंटीना को हम पहाड़ के तरफ यहाँ घुमा नहीं सकते हैं। अगर हम इस तरफ एंटीना को घुमा देंगे तो सिग्नल जो है आप लोग को नहीं आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे यूजर है उसको सिग्नल नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो GSM एंटीना का जो डायरेक्शन होता है हमेशा होता है यूजर की तरफ, ठीक है। इस एंटीना का भी देख सकते हैं ये यूजर की तरफ होता है। अगर आपके गाँव में आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह के एंटीना को जाकर देखिए, ये एंटीना आपके गाँव की तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4G टावर को आप पहचानना तो मुश्किल होगा, लेकिन आप इस तरह से पहचान सकते हैं, ठीक है। और मैंने बताया नेटवर्क के बारे में कि कैसे आपको मिलता है, और जहाँ आपको प्रॉब्लम है तो ये एंटीनों के देखिए, इंजीनियर से बात कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।